Hey guys, welcome back to my channel. So in today's video, I'm gonna tell you how I use aloe vera gel. Obviously, aloe vera gel can be used in many ways, out of which this is my current favorite. Okay, so मैंने पतंजलि का aloe vera gel लिया है. आप natural aloe vera भी ले सकते हैं, but I prefer पतंजलि का क्योंकि वो ज़्यादा convenient है use करने के लिए, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता. थोड़े से स्पून पे निकाल लो क्योंकि आइस ट्रे में मेरे हिसाब से थोड़ा वेस्ट हो जाता है, लेकिन स्पून पे हम लोग बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी भी फ्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग ये कुछ इस टाइप का दिखेगा. अब ये रेडी है, आइस फॉर्म में आ चुका है. अब ये रेडी है अप्लाई करने के लिए. ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एलोवेरा जेल को, थोड़ा सा एलोवेरा जेल थोड़े से क्वांटिटी में एक स्पून पे या फिर आइस ट्रे पे आप इसको फ्रीज कर लो ओवरनाइट. अर्ली मॉर्निंग इसको फेस पे अप्लाई कर लो, रब कर लो, थोड़ा मसाज कर लो, 15-20 मिनट रहने दो फेस पर, और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लो. अर्ली मॉर्निंग यूज़ करने का सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आपके सो के उठने के बाद आपके फेस पे पफिनेस होता है तो वो बिल्कुल ही चला जाएगा. सेकेंड, जिस देर में आप अपना मॉर्निंग ड्रिंक या चाय कॉफ़ी आप कुछ भी लेते हो, जिस देर में आप वो ख़त्म करोगे तब तक आपका 15-20 मिनट निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. वो जो थोड़ा एलोवेरा जेल क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में लगाओगे तो थोड़ा स्टिकीनेस होता है, वो भी आपको पता नहीं चलेगा 15-20 मिनट्स के बाद. एक और चीज़, अगर आप एट होम फेशियल या फिर फेस स्टीम ले रहे हो तो आप उसके बाद इसको यूज़ कर सकते हो पोर्स को क्लोज करने के लिए. बेस्ट चीज़ है, फर्स्ट एलोवेरा जेल है तो सूदिंग इफेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आइस फॉर्म में है तो सारे पोर्स भी बंद हो जाएंगे. आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.